चल रही है, तो इस वजह से ऑफिस नहीं रहेंगे और घर पर रहेंगे। मिन्नू मैडम, मिन्नू मैडम गई स्कूल, तो हमारी चाय हो गई है, बन के रेडी। मैंने मीशो से ये बहुत 2-3 चीज़ें मंगाई थी, देखते इसमें आया क्या है पहले। और सुबह तो भी हॉस्पिटल गए हैं दिखाने खुद को, तभी वो हॉस्पिटल से आते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट है, कुछ टेस्ट वगैरह बोला है डॉक्टर ने, तो हम भी वो करवा रहे हैं। अभी तो हमारे मन्नू घर पे ही हैं, मन्नू को लाने का टाइम हो गया, तो बस मन्नू को मैंने भाभी से बोल दिया वो लेके आ जाएंगी। और अभी इसमें खोल के देखते इसमें क्या आया है। अभी पहले तो भी ठीक ही है, इसके काम के भी अच्छे हैं। मैं नॉर्मली बहुत सारे सेट में क्या होता है कि काफ़ी छोटे आ जाते हैं, बट इसके छोटे नहीं हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और ये गोल्डन कलर है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और किसी भी साड़ी में पहन सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके पास गोल्डन मंगाया, मेरे पास गोल्डन नहीं था, सिल्वर था, और भी कलर ग्रीन रेड ये सारे थे। सुपर डिज़ाइन, नाइस। आप लोग को कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, अगर आप लोग को पसंद लगे तो बता देना। तो फ्रेंड्स, फाइनली नन्नू भी स्कूल से आ गई, तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही हैं यहाँ पे। और सुबह ऑफिस हॉस्पिटल से आ गए थे दिखा के, तो इनका रिपोर्ट और दवाई वगैरह सब लिख के आ गए, तो बस अभी इन्हें दे कुछ खाने वाने का देते हैं और फिर उसकी दवाइयाँ देते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग शाम को नीचे जाने से पहले पूजा कर रहे थे, और यहाँ पर मुन्नू ने पूजा कर रही थी जय माता करके। तो अभी तो हम लोग आरती कर रहे हैं, हम लोग रेडी हो गए थे नीचे जाने के लिए, तो नन्नू मुन्नू अभी आरती कर रहे हैं। जय जय गणेश सेवा। तो इनका यहाँ पे माता पिता हो रहा है, उसके बाद में जस्ट हम नीचे पहुँच गए और यहाँ पे साउंड चल रहे थे, तो मैंने वॉइस म्यूट कर दिया है, और जो भी बोल रहे थे वो भी कुछ नहीं देगा। जो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही यहीं से रही है, 56 भोग सारे प्रसाद वगैरह यहाँ पे रख दिया गया था, और भगवान जी को भोग लगा दिया गया था, और उसके बाद में हुई मज़ेदार धमाकेदार आरती, जो कि ये देखो बहुत ही सुंदर, मतलब अच्छा लगता है ना जब भगवान जी का इस तरीके से कुछ हम लोग करते हैं और मेहनत का फल थोड़ा सा अच्छा दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने दोनों बच्चों को लेके आरती करी, सुबह को नहीं ले गए थे, इनकी तबीयत सही नहीं थी और फिर थोड़ा सा सैड भी थे और अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है आप यहीं रहो, और हम लोग गए और इन्जॉय किया। आरती को भी बहुत मज़ा आया, आनंद आया, और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से वहाँ पर अच्छा लगा इन लोगों को। नॉर्मली बच्चे घर पर ही रहते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। और इसके बाद में इस लड़की को गोदी में आना था, क्योंकि नीचे से इसको कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए ये गोदी भी आ गई। एक बार गोदी ले लिया तो इसके बाद में उतर ही नहीं रही थी गोदी से बस, और हम गाए जा रहे जय शिव ओंकारा, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा। एक्चुअली मैं, मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, मैं भोले बाबा का मतलब बहुत बड़ी भक्त हूँ, जरा से भी उनके आरती वरती होती है तो मुझे रोना आ जाता है, तो बस यहाँ पे भी मैं रोने ही लगी थी, क्योंकि उनको मैं अपना आदर्श मानती हूँ, तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मेरे दुख सुख में वही खड़े होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमारा अटैचमेंट है उनसे, बस हम कह नहीं सकते कुछ भी आप लोगों से, बस समझ सकते हो आप लोग। फिर से हम आ गए लड्डू के पास, मेरे प्यारे श्री गणेश भगवान लड्डू रखे हुए हैं और गन्नू भैया खा रहे हैं, खाते वाते नहीं यार, इनसे बोलो जरा खाया करे, हाँ नहीं तो इतना वेट करते हैं, खा लो इतनी मेहनत से बनाते हैं, खाते ही नहीं है, हाँ नहीं तो। फिर यहाँ पे सारे जेंट्स बैठ गए थे एक तरफ से इन लोगों को खाना खिलाने, और बच्चा पार्टी भी बैठ गई थी, और आंटी लोग तो बातें करी जा रही थी, धे बातें, हम बोल भी रहे थे कि पंचायत मत करो, मगर पंचायत करी जा रही थी,
फिर यहाँ पे सभी को खाना, फिर मैं यहाँ पे वीडियो शूट थोड़ा कम करूँगी। और नहीं 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 मैंने सबको परोसा था। हाँ, याद आ गया, मैंने रख दिया था सबके खाने में। उसके बाद मैंने वीडियो शूट की थी, क्योंकि सभी की थाली मैंने लगवा दी थी, मतलब हेल्प कराई थी सभी के लिए, प्रॉपर सारा सामान मैंने ही के लिए कराओ। सबने मिल के सभी को खाना सर्व किया था। काफ़ी अच्छा लगता है ये लुक, और मेरी औलाद का डांस कंटिन्यू टन टना टन 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 टन। मुझे तो लग रहा था कि कहीं किसी की थाली में ना जंप कर दे महा शैतान औलाद, और सब डर भी रहते कि कहीं कुछ कर ना दे इसको, पकड़ना पड़ रहा था और मैं ही पकड़ रही थी। और भाभी की से थोड़ा सा टेस्ट में डिस्ट का रहता है, तो कहीं भाभी के साथ चली जाएगी या फिर आंटी के पास में, अदरवाइज बच्ची निकलती नहीं मेरी ज़्यादा बाहर ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है इसके साथ में। और मेरी नन्नू बेटी अभी तक तो कह रही थी नहीं आएंगे नहीं खाएंगे, फिर बच्चों को खाते देखा तो बोला मम्मा मेरे को खाना है, फिर मैंने अपने साथ में इनको खिलाया खाना। बस इसका डांस शुरू है, बंद नहीं होगा अभी। सिल अच्छा लग रहा है इसको यहाँ पे, तो उसका मन है तो करेगी। अब मम्मी मना नहीं कर रहे भैया, तो एक हद तक ही मना कर सकते बच्चों को। तो सांबर नमकीन और प्रसाद सारा 56 हो गए, और इडली सांबर जो भी सारी आइटम रहती है, अटर बटर सब। चम्मच चपड़ी भी है।